बहुत अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जंगकुक की आइडियल टाइप गर्ल कैसी है। अगर आपको जानना है कि जंगकुक की आइडियल टाइप गर्ल कैसी है, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, हेयर कैसा होना चाहिए, स्किन टोन कैसी होनी चाहिए, सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती है। अगर आपको वी की आइडियल टाइप गर्ल देखनी है सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है देख सकते हैं। मैंने वी की आइडियल टाइप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया हुआ है। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वी की आइडियल टाइप का। एंड ये जंगकुक की आइडियल टाइप का पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगता है एंड आप पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। जितनी भी आर्मीज है सब का ये एक ही सपना होता है कि वो BTS मेंबर्स जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है तो वो उनके आइडल टाइप के जैसे लग सके। सो एज यू नो जंगकुक इज़ वेरी क्यूट एंड अपने क्यूटनेस के वजह से वो बनी एज अ बनी भी जाने जाते हैं। सो आर्मीज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जंगकुक बहुत शाय है एंड उनकी जो आइडल टाइप है वो ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड आइडल टाइप गर्ल नहीं चाहते हैं। सो एज यू नो जंगकुक इज़ वेरी क्यूट, तो उन्होंने बोला है कि एक ऐसी गर्ल होनी चाहिए जो कि बहुत क्यूट हो एज लाइक हिम, जैसे जितना क्यूट वो है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि जंगकुक को कैसी गर्ल्स पसंद है, एज में जो ओल्डर हो या यंगर हो। सो आर्मीज जंगकुक ने बोला है कि वो चाहते हैं कि उनकी आइडियल टाइप ऐसी हो जो कि एज में उनसे कम हो या उनके इतनी ही हो, और उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर उनकी होने वाली गर्लफ्रेंड उनको ओपा कह के बुलाए। लेकिन एट द सेम टाइम उनको अगर उनकी एज से बड़ी भी कोई गर्लफ्रेंड इन फ्यूचर वो बनाते हैं तो उनकी एज से बड़ी भी हो तो इट्स ओके, उनको अपनी एज से बड़ी गर्ल्स भी पसंद है, नूना कह के बुला सके। सो ये जंगकुक चाहते। तो आर्मीज मुझे आप बताइए कॉमेंट में कि आपकी एज कितनी है। आर्मी से यहाँ पे जंगकुक ने कोई बिल्कुल हम एक सॉलिड आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने ये सॉलिड रूप से बोल दिया है कि उनको एक यंगर गर्लफ्रेंड चाहिए या ओल्डर। बट हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी एज से कम भी हो तो चलेगा, एज से ज़्यादा भी हो तो चलेगा। एज़ यू नो कि जंगकुक अभी एज में बहुत कम है, सो हो सकता है कि जब वो एज में और ज़्यादा ग्रो हो तो हो सकते उनके ये जो चॉइस है वो और ज़्यादा चेंज हो और वो हमें कुछ सॉलिड स्टेटमेंट दे सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं गाइस कि एक अलग इंटरव्यू में जंगकुक ने बताया कि उनको क्यूट गर्ल बहुत पसंद है। अब यहाँ पे क्यूट गर्ल से मतलब ये है कि एक ऐसी गर्ल जो बहुत कम मेकअप के साथ भी बहुत परफेक्ट लग सके। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि उनको मेकअप नहीं पसंद है। आर्मीज आई थिंक आप ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे कि BTS के जंगकुक की आइडल टाइप गर्ल की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि JK ने बोला है कि जो उनकी आइडल टाइप गर्ल है हेल्दी दिखनी चाहिए एंड मस्क्यूलर दिखनी चाहिए, ये नहीं कि पतली सी, मतलब हाँ ठीक है जो आइडल टाइप गर्ल है। पार्ट 1 में आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि उनकी आइडल टाइप की गर्ल का वेट होना चाहिए 45 to 50 kg। बट जंगकुक ने बोला है कि उनकी जो आइडियल टाइप गर्ल है वो हेल्दी होनी चाहिए। अब हेल्दी का मतलब ये नहीं कि 100 kg की हो या 80 kg की हो, हेल्दी मीन्स अच्छी लग सके, हेल्दी लग सके। और उन्होंने बोला है कि उस गर्ल के बॉडी की टोन एक्टिवनेस से भरी हुई हो, ये नहीं लेजी लेजी सी लगे, मतलब एक्टिव होनी चाहिए। एंड आर्मीज आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जंगकुक ने इंटरव्यू में बोला था कि उनके लिए आउटसाइड ब्यूटी मैटर नहीं करता है, वो चाहते हैं कि उनकी जो गर्ल होनी चाहिए वो इनर ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उनका दिल बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग जो कि आज के टाइम पे बहुत कम है। आपको बाहर से फेशियल ब्यूटी दिख जाएंगे लोगों के, लेकिन लोग इनर अंदर से ब्यूटीफुल नहीं होते हैं। एंड जंगकुक ने बोला है कि एक परफेक्ट गर्ल हेल्दी होती है और डेली एक्सरसाइज करती है और बहुत एक्टिव रहती है। एंड आर्मीज आपको मैं बता दूं कि JK को पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, सो वो चाहते हैं कि जो उनकी गर्ल हो वो इंटेलिजेंट एंड कॉम्पिटेटिव हो।
एंड यस, वो चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड गेमर हो सो दैट जेके उनके साथ गेम खेल सके। एंड जेके एक ऐसी गर्ल चाहते हैं जो कि उनको इम्प्रेस कर सके अपने टैलेंट से, गर्ल अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जेके को दिखा सके। एंड यस, वो चाहते हैं कि उनकी आइडियल टाइप गर्ल एक्टिव होनी चाहिए एंड स्मार्ट होनी चाहिए। तो ये हो गई उनकी पर्सनैलिटी की बात, की जेके की आइडियल टाइप गर्ल की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे बहुत से आर्मीज के मन में ये क्वेश्चन भी चलता है कि क्या जेके किसी आर्मी को डेट कर लेगा या उनकी आइडियल टाइप कोई सेलिब्रिटी है। सो आर्मीज, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जेके ने बहुत ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब नहीं किया है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिया है कि उनकी आइडियल टाइप गर्ल एक आर्मी से होनी चाहिए या कोई सेलिब्रिटी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनको एक मैच्योर, एक केयरिंग, प्रोटेक्टिव पर्सन चाहिए लाइफ में। एंड यस, जेके ने यह भी बोला है कि उनको ऐसी गर्ल्स पसंद है जो गाना गा सके एंड खाना बना सके। अगर हम अफवाहों की माने तो उन्होंने बहुत बार ये भी बोला है कि आयु एंड एमा वेस्टर्न उनकी आइडियल टाइप गर्ल है। एंड जंगकुक एक ऐसी गर्ल को लाइक कर सकते हैं, उनकी आइडियल टाइप गर्ल ऐसी चाहिए जो कि हाइट में उनसे छोटी हो। सो आर्मीज, आपने कई बार देखा भी होगा कि जंगकुक ने कई बार अपना इंटरेस्ट आयु में दिखाया है। सो अगर आपको नहीं पता है कि आयु कौन है तो मैं आपको बता दूँ, आयु भी एक के पॉप सिंगर है और ये कोई सीक्रेट नहीं है, उन्होंने अपनी फीलिंग को अनाउंस भी किया है आयु के प्रति, अगर आपने देखा होगा तो। इवन जेके ने अपने मनी को भी खर्च किया है आयु के लिए एक एल्बम खरीदने के लिए। सो यस, ये एक एविडेंट हो सकता है कि जेके की आइडियल टाइप गर्ल आयु की जैसी होनी चाहिए। सो आर्मीज, अगर आप जेके की आइडियल टाइप गर्ल बनना चाहती है तो अब ये सुनिए जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि उनकी गर्लफ्रेंड उनकी केयर कैसे कर सकती है, जेके की केयर कैसे कर सकती है। सो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि जब जेके बस 16 ईयर्स के थे तभी उन्होंने केपॉप ज्वाइन किया था। एंड आपको पता भी होगा कि जंगकुक बीटीएस ग्रुप के मैकनी है। सो यस, उनके पास उनका म्यूज़िक है एंड आर्मीज है उनकी लाइफ में। एंड जेके ने अपने सब कुछ अपनी म्यूज़िक को दे दिया है। एंड गाइस, जंगकुक का रियल नाम जियोन जंगकुक है, आप लोगों को तो पता ही हो। एंड उनके स्टेज का नाम जंगकुक है, सो यू कैन कॉल हिम जेके ऑल्सो। एंड यस, जेके को कॉमिक्स बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है एंड आयरन मैन भी रीड करना अच्छा लगता है उन्हें। एंड आर्मी, जंगकुक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है एंड उनको पता है कि हाउ टू डू ड्राइविंग। एंड यस, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है। एंड अकॉर्डिंग टू BTS, जंगकुक एक बहुत मैजिस्ट मेंबर है। सो गर्ल, इफ़ यू वॉन्ट टू डेट जंगकुक, योर रूम मे ऑल्सो बिकम मैसी। तो गाइस, मुझे कॉमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपकी कितनी क्वालिटी मैच होती है एंड आप पार्ट टू चाहते हैं या नहीं। एंड यस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।